इस समय हमारे साथ लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा ताई, सुमित्रा महाजन जी हैं, उनसे बात करेंगे इंदौर के चुनाव को लेके, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके और देश के चुनाव को लेके, क्या कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की। ताई से जानेंगे कि इंदौर में क्या दिख रहा है उनको, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें ताई लंबे अरसे बाद चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उसमें क्या है, कोई एक ही व्यक्ति ने सतत चुनाव लड़ना चाहिए ऐसा तो नहीं है, बदलाव तो ठीक है। और इतने साल इंदौर लोगों ने, इंदौर के सभी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, 8-8 बार मैं यहाँ से सांसद और चढ़ती कमान से एक प्रकार से मैं सांसद बन के गई हूँ। और इसलिए इस बार ये भी सोचा, मैंने भी सोचा, पार्टी ने भी सोचा कि ठीक है 8 बार हो गया तो अब किसी को मौका दूसरे को देना चाहिए, तो नहीं लड़ रही हूँ, मगर लड़वा रही हूँ, नहीं लड़ रही हूँ तो भी चुनाव लड़वा रही हूँ पार्टी को। ताई इतनी सक्रिय हैं, इतनी लोकप्रिय हैं, उसके बाद भी पार्टी आपने क्यों अपने से ये घोषणा की? एक बात तो ऐसी है, वास्तविकता है कि पार्टी में सब प्रकार से काम मैंने किया, संगठन में किया, यहाँ भी किया, 8 साल से सांसद, 8 बार से सांसद रही, अभी लोकसभा की अध्यक्ष भी रही। और ये करते करते कहीं ना कहीं मेरी भी तो उम्र होती है, एक्टिव तो हूँ मगर एक उम्र का भी तकाजा होता है। पार्टी ने भी एक थोड़ा सा बीच में ऐसी इच्छा व्यक्त की थी कि साधारण 75 के बाद नहीं लड़ना चाहिए चुनाव, तो मैंने सोचा मैं भी अपवाद क्यों बनूं इसमें, तो पार्टी कुछ कहे इसके राह क्यों देखूं। बहुत बल बोला था पार्टी को कि आप बताइए कि मैं भी 75 की हो गई, मगर ऐसा लगा वो निर्णय देने में थोड़ा उनको हिचकिचाहट होती कुछ, तो मैंने ही सोचा कि मैं ही निर्णय लूँ कि सही बात है, क्यों लड़ना चाहिए, अब कोई दूसरा लड़े, बस इतनी सी बात है। तो आपको लगा कि पार्टी को हिचकिचाहट हो रही है निर्णय लेने में, मोदी जी यहाँ कह के गए कि केवल मुझे ताई ही डांट सकती है, तो ताई के लिए इतना रिलैक्सेशन नहीं हो सकता था? इसका अर्थ है कि अब ताई सबसे बड़ी हो गई, पार्टी में भी बड़ी हो गई, एक जिसको पोजिशन कहते हैं, डांटने वाला मतलब बड़ा घर में, जैसे ताई मतलब बड़ी बहन, तो मोदी जी ने भी अगर ये बात मानी कि ये बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन ने अब अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनसे लड़वाना चाहिए, खुद ही थोड़ी लड़ते बेटी, इसलिए मैंने जो निर्णय लिया वो सही लिया। ये चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें भाजपा के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी चुनाव में नहीं है, लालकृष्ण आडवाणी चुनाव में नहीं है, आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं, यशवंत सिन्हा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बाहर चले गए हैं, तो पार्टी की ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, किस रूप में दिख रही है इसको? नहीं, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहता है ना, बड़े स्तर पे हुआ है ना? नहीं, बड़े स्तर पे क्योंकि पार्टी का जो पहला ये था लॉट जिसको हम कहेंगे, वो सब इतने, जैसे आडवाणी जी की ही आप देखो 92 उम्र हो गए, जोशी जी भी 80 के पार चले गए, कितने साल, शत्रुघ्न सिन्हा खुद चुनाव तो लड़ रहे हैं मगर है तो 80 के पार, वो भी अगर मैं जहाँ तक जानती हूँ 80 के तो हो गए, तो एक सीमा तो होती है ना, उनको भी थकावट है। और दूसरी बात यह है, सेकंड कैडर तैयार होते रहना चाहिए, आवश्यक है, घर में भी जैसा होता है तो सेकंड कैडर तैयार होता है, होते रहना चाहिए, और उसको भी आगे लाना ही है, ये तो उनके हाथ में देना ही है, कमान देना ही पड़ती, घर में भी हम देते हैं तो इसमें, और हम कहते हैं बीजेपी एक परिवार है, केवल पार्टी नहीं है, केवल संगठन नहीं है, हम परिवार मानते हैं, तो परिवार में ये होता है, उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि किसी को साइड में किया या क्या किया, ऐसा नहीं है, हम तो रहेंगे बताने के लिए रहेंगे, गलती होती है तो बताएंगे, ये तो चलेगा। नहीं, आप तो रहेंगी, आप सक्रिय भी हैं पर एक बार मन में नहीं लगता कुछ ऐसा थोड़ा बहुत? वास्तव में नहीं लगता, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, और आज इतने बड़े पद पे बिठाया, स्पीकर का पद जो होता है तो चौथे नंबर का पद है वो पूरे हिंदुस्तान में, और एक ऐसा संवैधानिक पद दिया, तो जो भी मान सम्मान जो भी था, मुझे जो कर्तृत्व दिखाना था वो भी दिखाने का सब मौका मिला, तो इतना बड़ा मुझे पार्टी ने पद दिया है, सब कुछ दिया, तो इसके बाद मुझे क्यों कुछ लगना चाहिए था, मिल गया मुझे सब कुछ, तो अब तो उल्टा मेरा काम ये बचता है कि अब मेरा जितना समय मैं दे सकूं पार्टी के लिए मुझे देना चाहिए, दैट्स ऑल।
आपको नहीं लगता कि पार्टी को आपके परिवार से भी किसी को चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि आपका परिवार लंबे समय से जुड़ा हुआ है, पूरा परिवार समर्पित परिवार है। एक बात बताऊं, मेरा परिवार कभी भी राजनीतिक नहीं रहा। राजनीतिक नहीं होते हुए मेरे जैसे एक साधारण गृहिणी को पार्टी ने आगे लाए, मेरे गुणों को देखते हुए कहो या जो भी हो, मुझे मौका मिल गया। अब मेरे परिवार में अगर कोई कुछ अच्छा लगता है तो पार्टी अपने आप उनको देगी, बढ़ावा देगी, ऐसा मैंने क्यों सोचना चाहिए। जब मेरे परिवार में कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था, ना मेरे ससुर थे ना मेरे पति थे, कोई पॉलिटिकल नहीं था। ससुर उनका होजेरी का कारखाना था, मेरे पति के वो एडवोकेट थे, वकालत करते थे, कोई पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता भी नहीं था, तो भी मेरी रुचि देख के या मेरा काम देख के मुझे आगे लाया। तो ऐसे ही अगर मेरे परिवार में कुछ है तो पार्टी लाएगी, मैंने क्यों उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आखिरी सवाल, इंदौर में, मध्य प्रदेश में और देश में बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है? बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। एक बात मैं आपको बताऊं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जरा सा भी वातावरण नहीं है। एक तद्दन ईमानदार सरकार 5 साल से काम कर रही है, ये सभी लोग मानते हैं, जानते हैं और काम भी देख रहे हैं। उसके भी आगे जाके माननीय मोदी जी जैसा एक विश्व प्रसिद्ध नेतृत्व और विश्व में भारतीय अपने भारत की एक छवि उज्जवल, भारत की एक भूमिका, ताकत वाली भूमिका निर्माण करने वाला ऐसा नेतृत्व मिला है। और ये सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र को ऊपर उठाया और राष्ट्रीय भाव को ऊपर उठाया है, तो आज की तारीख में जो भी उन्होंने काम किया है, तो राष्ट्रीय स्तर पे कहूँ या प्रदेश स्तर पे कहूँ, भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिलना है। तो ये थी हमारे साथ सुमित्रा ताई, जो बता रही थी कि पार्टी का जो निर्णय है उससे वो पूरी तरह संतुष्ट है, उनके चेहरे से भी आप समझ सकते हैं, और उनकी ये उम्मीद है कि और उनका विश्वास है कि मोदी जी फिर से सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन नंदन के साथ शिरीष मिश्रा, IBC 24 इंदौर।